वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब तक हमारी 25 क्लासें हो चुकी हैं, आज हमारी 26th क्लास है। आने वाली क्लासों में हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। आज इस क्लास में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ताकि अब तक हमने जितने कॉन्सेप्ट किए हैं वो क्लियर हो जाए और आगे हम नए कॉन्सेप्ट सीख सके। इसमें भी मैं आपको एक एक फ्रेज के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे बना, एक एक वर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फॉलो द जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच फॉरेन बिजनेस इज कैरिड ऑन। अब देखिए, इट मे बी, इट आपको पता है लाइन पे आता है, साथ मे है और बी है, ये बन गया इट मे बी। डिफिकल्ट का ग्राम लोग है, फिर मैंने फॉर और यू लिखा है, टू आपको पता है लाइन पे आता है, फिर मैंने फॉलो लिखा है, एफ है, एफ पे वोवल है, एल है और एल पे वोवल है, फिर डी लिखा है, जनरल का ग्राम लोग हो गया, प्रिंसिपल का ग्राम लोग है प्रिंसिपल्स का, फिर मैंने अपॉन विच लिखा है, अपॉन विच इकट्ठा लिखा है, पी है, पी के साथ एन का होके इधर वोवल है और साथ विच, चे है, विच बन गया। फिर मैंने अपॉन विच के बाद फॉरन लिखा है, फॉरन देखिए कैसे लिखा है, फॉरन में एफ, एफ पे वोवल है, आर अपवर्ड और आर है, साथ एन का हुक है, ये बन गया फॉरन। अब देखिए बिजनेस में दोनों यूज हो रहे हैं, इधर एस वाला सर्कल यूज हो रहा है और इधर भी बी है, बी के बाद एस वाला सर्कल है, एन है और एस है। फिर उसके बाद इज आपको पता है लाइन पे आता है, फिर मैंने कैरिड ऑन लिखा है, के है, आर है, डी है, अगर हम इधर ये लगा देते हैं ना एन का हुक तो ये ऑन को डिनोट करता है, तो ये बन जाता है कैरिड ऑन। आई होप आपको फर्स्ट लाइन क्लियर होगी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। बट इफ यू आर टू विन यूर वे इन ए फर्म विच डज बिजनेस विद द नॉर्दर्न एंड सदर्न। अब देखिए बट आपको पता है कि लाइन पे आता है, फिर मैंने इफ़ यू आर लिखा है, इफ़ आपको पता है थ्रू दी लाइन आता है, यानी लाइन को काटता हूँ, उसके बाद यू है और आर है, फिर मैंने टू विन लिखा है, यू आर आपको पता है इस तरह आता है, फिर वे लिखा है, इन अबव दी लाइन आता है, ए का ग्राम लोग है, फिर फर्म लिखा है, एफ है, आर है, एम है और इधर वोवल है, विच आपको पता है इस तरह आता है, डज लिखा है, डी है, इधर वोवल है, एस है। बिजनेस में आपको बता ही चुका हूँ बी है, इधर वोवल है और एन के साथ दोनों तरफ इधर एस एस के लगे हुए हैं। फिर विद दी है, विद के साथ हल्का सा टिक लगाते हैं तो वो दी को डिनोट करते हैं। नर्दन का ग्राम लोग है, एंड का भी ग्राम लोग है और सर्दन का ग्राम लोग है। आई होप आपको ये दो लाइनें क्लियर होगी होंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन के बारे में। स्टेट्स ऑफ अमेरिका यू विल हैव टू ट्राई नो बिजनेस मैन एंड अबव ऑल नो बिजनेस मैन हुज। अब देखिए इसमें स्टेट्स में एस टी वाला यूज़ हो गया ना, फिर उसके बाद मैंने लिखा है ऑफ, ऑफ आपको पता है अबव द लाइन आता है, अब अमेरिका लिखा है, अमेरिका अबव द लाइन क्यों आ रहा है, अमेरिका अबव द लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर फर्स्ट प्लेस वाली वोवल आ रही है, ये आ रही है ना, इस करके ये अबव द लाइन आ रहा है। फिर मैंने यू विल हैव लिखा है, फिर उसके बाद टू है, सर ट्राई है, इसका मतलब लाइन ख़त्म, जहाँ से हमारी लाइन शुरू हुई हुई थी ना ये लाइन ख़त्म, इसका मतलब क्रॉस का मतलब। फिर लिखा है नो, एन है, इधर वोवल है, फिर बिजनेस लिखा है, बी है, इधर वोवल है, एस है, एन के साथ एस, फिर मैंने मैन लिखा है, एंड अबव द लाइन आता है, ये आपको पता है, उसके बाद मैंने अबव लिखा है, आल का ग्राम लोग है, फिर नो लिखा है, फिर बिजनेस लिखा है, फिर मैन लिखा है, फिर हुज लिखा है, हुज का ग्राम लोग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। प्रिंसिपल बिजनेस इज विद फॉरनर्स कैन पॉसिबली लीव दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम हिज ट्रेनिंग। प्रिंसिपल का ग्राम लोग है, फिर मैंने बिजनेस लिखा है, बी है, बी पे वोवल है, एस है, एन है, एस है, इसका ग्राम लोग है, विद का ग्राम लोग है, फिर मैंने फॉरनर्स लिखा है। अब देखिए फॉरनर्स कैसे लिखा है, एफ है, एफ पे इधर वोवल है, फिर आर है, आर के साथ मैंने एन वाला हुक लगा के डाउनवर्ड वाले आर के साथ एस लगा दिया, ये बन गया फॉरनर्स। फिर मैंने कैन लिखा है, फिर पॉसिबली लिखा है,
पॉसिबली में पी है, एस है और बी के साथ मैंने घुमा के इस तरह एल का हुक लगा दिया, ये बन गया पॉसिबली। फिर मैंने लीव लिखा है, फिर दिस लिखा है, फिर ब्रांच लिखा है, बी है, बी के साथ आर का हुक है, इधर वोवल है, एन है और चे है। फिर मैंने ऑफ लिखा है, ऑफ का ग्राम लोग है। फिर इकोनॉमिक्स लिखा है, इकोनॉमिक्स में ये देखिए, ये के साथ इधर से मैंने एन का हुक लगा दिया, साथ एम कर दिया और के एस लिख दिया, ये बन गया इधर से इकोनॉमिक्स। फिर मैंने फ्रॉम हिज लिखा है, ये एस वाला लगा दिया तो ये फ्रॉम हीज पढ़ा जाएगा। फिर मैंने ट्रेनिंग लिखा है, अब देखिए ट्रेनिंग देखो कैसे लिखा है, इनिशियल में यानी जो स्टार्टिंग में इधर तो जो मैंने लगा दिया इधर आर का हुक लगा दिया और जो फाइनल में यानी लास्ट में एन का लगा दिया और साथ मैंने इंग लगा दिया, बन गया ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, इफ ही शुड रिफ्रेन बिकॉज ऑफ ए जनरल डिसलाइक ऑफ द साइंस He will surely suffer in the long run. सिर्फ इतने की तरफ आप ध्यान दीजिए। If he का ग्राम लोगे ये मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर should लिखा है, refrain। अब देखिए refrain में upward वाला R है, साथ vowel है, F के साथ मैंने इधर R लगा दिया initial में और इधर final में N लगा दिया, बन गया refrain। मैंने आपको बताया था ना कि हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, तो ही मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, इससे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैंने बिकॉज लिखा है, बिकॉज का ग्राम लोग है, फिर ऑफ ए जनरल का ग्राम लोग है, फिर मैंने डिसलाइक लिखा है, डी है, एस है, इधर आई वाला लगाया, एल है और के है, ऑफ दी लिखा है, ऑफ के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे तो वो डी को डिनोट करेगा। फिर मैंने इस तरह साइंस लिखा है, फिर उसके बाद मैंने ही विल लिखा है, ही है, साथ इधर विल लिखा है, फिर मैंने श्योरली लिखा है इस तरह ऐसे करके श्योरली, फिर मैंने सफ़र लिखा है ये इस तरह हो गया ना ऐसे करके, फिर इन है, इन के साथ हल्का सा टिक लगा देंगे तो वो दी को डिनोट करेगा, फिर मैंने लॉन्ग लिखा है ये देखिए ऐसे, एल है, इधर वोवल है और इधर मैंने एन जी वाला लगा दिया लॉन्ग। फिर मैंने रन लिखा है, आर है, इधर वोवल है और इधर एन का हुक लगा दिया। अब देखो ये क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये लाइन खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, द ट्रूथ ऑफ दिस हैज बीन शोन ओवर एंड ओवर अगेन विद इन माई ओन सर्कल एंड आई स्पीक फॉर योर एडवांटेज। दी का ग्राम लोग है, ट्रूथ का ग्राम लोग है, ऑफ के साथ मैंने इस तरह दिस लिखा है, फिर मैंने हैज बीन लिखा है ये इस तरह, इधर सर्कल लगा के बी के साथ इधर एन का हुक लगाया, फिर मैंने शोन लिखा है, फिर ओवर लिखा है ये देखो ऐसे, ये हमारा वी है, वी के साथ मैंने इधर हुक लगा दिया, ओवर फिर एंड का ग्राम लोगे, फिर ओवर लिखा है, फिर अगेन लिखा है, अगेन अबव द लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस वाला वोवल आ रहा है, इस करके ये अबव द लाइन आ रहा है। फिर मैंने विद इन लिखा है, ये इधर ये विद इन लिखा है, फिर उसके बाद माई ओन लिखा है, ये इकट्ठा लिखा है मैंने माई ओन, फिर सर्कल लिखा है, सर्कल में देखिए इधर तो मैंने एस वाला लगा दिया, फिर के साथ मैंने इस तरह से एल का हुक लगा दिया, फिर ये बन गया सर्कल, फिर मैंने लिखा है एंड आई इकट्ठा लिखा है, फिर ये स्पीक का ग्राम लोग है आप जानते हैं, फिर फॉर योर, फिर एडवांटेज का ग्राम लोग है, इसका मतलब लाइन खत्म। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में, The principles may appear difficult to follow and if you imagine the task beyond you, it will prove so. दी का ग्राम लोग है, principles का ग्राम लोग है, साथ ये मैंने मे लिखा है, एम है, एम पे वोवल है, फिर मैंने appear लिखा है, फिर difficult का ग्राम लोग है, टू का ग्राम लोग है, फिर follow लिखा है, एफ है, एफ पे वोवल है, एल है, एल के साथ वोवल है, फिर मैंने लिखा है एंड इफ यू इकट्ठा लिखा है, एंड है साथ इफ है, फिर यू है, फिर इमेजिन लिखा है, इसमें ये जे के साथ मैंने इधर से एन का हुक लगाया है, फिर दी आपको पता है इस तरह था, टास्क इस तरह लिखा है, ये टी है, इधर वो वाला एस है और के है टास्क, फिर बियॉन्ड यू लिखा है, बियॉन्ड आपको पता है अबव द लाइन आता है, यू ऑन द लाइन आता है, इट विल प्रूव सो, ये इट विल हो गया प्रूव। देखिए अब पी है, पी के साथ जो इनिशियल में लगाया है वो तो हो गया आर का हुक, जो फाइनल में लगाया है वो हो गया वी का हुक, फिर मैंने सो लिखा है, इसका मतलब लाइन खत्म सर्कल का। अब हम बात करते हैं लास्ट लाइन के बारे में, बट बी ब्रेव फेस द प्लेन ट्रूथ एंड यू विल लाइटन द वर्क एंड सक्सीड एज यू विल डिजर्व टू सक्सीड।
बट का ग्राम लॉग है, बी का ग्राम लॉग है। अब देखिए ब्रेव कैसे लिखा है, ब्रेव में जो इनिशियल में लगाया है वो तो आर का हुक हो गया, जो फाइनल में लगाया है वो वी का हुक हो गया। फेस एफ है, इधर वोवल है, एस का सर्कल है, फिर डी लिखा है, फिर प्लेन लिखा है। प्लेन में भी देखो अब दोनों हुक यूज हो रहे हैं। पी के साथ जो इनिशियल में लगा हुआ है यानी स्टार्टिंग में, वो तो एल का हुक यूज हो रहा है, और जो फाइनल में लगा हुआ है यानी लास्ट में, वो एन का हुक है, ये बन गया प्लेन। फिर मैंने ट्रुथ लिखा है, फिर एंड लिखा है, यू विल मैंने इकट्ठा लिखा है, फिर मैंने लाइटन लिखा है, एल है इधर आई है, टी के साथ एन का हुक है, डी का ग्राम लोग है, फिर मैंने वर्क लिखा है। वर्क में डब्ल्यू इस तरह क्यों आ रहा है, डब्ल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि के गया एम आर से पहले डब्ल्यू आता है, तो वो इस तरह लिखा जाता है। एंड का ग्राम लोग है, उसके बाद मैंने सक्सीड लिखा है, ये एस है, के है, इधर वोवल है, डी है, फिर एज लिखा है, फिर यू विल लिखा है, फिर डिजर्व लिखा है, इस तरह। ये जो आर है ना, इसके साथ ही मैंने इधर वी का हुक लगाया है, और इधर एस का ये सर्कल यूज़ हो रहा है, फिर टू लिखा है, फिर सक्सीड लिखा है, इसका मतलब लाइन ख़त्म क्रॉस का। आई होप आपको ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्लियर होगी होगी। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिख देता हूँ हर क्लास में, ताकि आपका फ्रेजोग्राफी वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने इट मे बी का लिखा है, इट है साथ मे है और बी है। फिर मैंने अपॉन विच का लिखा है, ये वोवल है, इधर पी है, एन है, सचे है, ये अपॉन विच बन गया। फिर मैंने लिखा है ऑफ दिस हैज बीन का, ऑफ है, दिस है, इधर एस वाला सर्कल के साथ बी के साथ एन लगा दिया, तो ये बन जाएगा ऑफ दिस हैज बीन। फिर मैंने लिखा है कैरीड ऑन का, के है, इधर वोवल है, आर है, डी है, इधर लगा देंगे ना एन का हुक, तो ये बन जाएगा कैरीड ऑन। फिर मैंने इफ यू आर का बनाया, इफ है, यू है, आर है, फिर यू विल हैव का बनाया, यू है, विल है, हैव है, फिर टू ट्राई का बनाया, टू है और साथ ट्राई लिखा है। तो ये थी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं इसकी डिक्टेशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें आप इसकी डिक्टेशन लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।